हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सहित्र, आप देख रहे हैं एनिमे इंडिया। तो चलिए ज़्यादा बवक ना किए अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाई एवरी इंडियन एनिमे फैन शुड वॉच ड्रैगन बॉल जी ब्रॉली इन इंडियन थिएटर्स। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें ये मूवी थिएटर में जाके देखना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई एनिमे मूवी इंडिया में थिएटर के लिए रिलीज हो रहा है, तो हम इसको कैसे मिस कर सकते हैं। मुझे पता है बहुत लोगों ने इस मूवी को पहले ही देख चुका है, प्लस हिंदी डब में भी शायद देख चुके होंगे। फिर भी मैं कहूँगा आप लोग जाकर इसको थिएटर में जाकर देखिए, क्योंकि थिएटर में देखने का मज़ा अलग होता है मोबाइल में देखने से। और सेकेंड ऑफ ऑल, अगर ये मूवी बहुत अच्छा हो, सक्सेसफुल हो, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत अच्छा हुआ, तो समझ लो हमने एक ब्रिज क्रिएट कर दिया एनिमे मूवीज़ को इंडिया में रिलीज़ करने के लिए। क्योंकि अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छा होगा तो जैपनीज एनिमे इंडस्ट्री को, उनको पता चलेगा जो इंडिया में भी एनिमे का डिमांड है, तो वो लोग और भी एनिमे मूवीज़ को इंडिया में रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे। तब से ड्रैगन बॉल जी और पोकेमॉन इस टाइप की मूवी सब रिलीज नहीं होगा। फिर और भी जैसे एनिमे मूवी जैसे मैकिया द प्रॉमिस फ्लावर ब्लूम्स, आई वांट टू ईट योर पैनक्रियास, और भी जो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एनिमे मूवीज है, वो सब रिलीज़ होने का पॉसिबिलिटीज है। अगर कोई एनिमे लवर ये सोच रहा है मैं ड्रैगन बॉल जी का फ़ैन नहीं हूँ, मैं इस मूवी को नहीं देखने जाऊँगा, अगर मेरी पसंद का कोई एनिमे मूवी थिएटर के रिलीज़ होता तो ही मैं देखने जाऊँगा, तो भाई तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि पीवीएस सिनेमास ने तुम्हें एक बार चांस दिया है एनिमे को इंडिया में वापस लाने के लिए। अगर उस चांस को तुम वेस्ट कर दोगे तो मुझे नहीं लगता एनिमे को तुम कभी भी इंडिया में वापस लेके आ पाओगे। इसलिए मैं सभी एनिमे लवर्स को कह रही हूँ, जाओ जाकर इस मूवी को थिएटर में जाकर देख के आओ। भले ही तुमने इसको देख चुके हो अपने मोबाइल में, लेकिन थिएटर में जाकर देख के आओ। थिएटर में देखने का एक अलग मज़ा है मोबाइल से। अगर इस मूवी का अच्छा कलेक्शन हुआ तो शायद जो मकोटोशिन का एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है वेदरिंग हुई थी, वो भी शायद इंडिया में रिलीज़ हो जाए, वो भी हिंदी डब में। मैं ऐसे ही ये सब बातें नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो हमारे बॉलीवुड को ही ले लीजिए। आप ही सोचिए बॉलीवुड अभी क्यों इतना ज़्यादा एग्रेसिव है अपनी मूवीज़ को चाइना में रिलीज़ करने के लिए। क्योंकि पहली बार जब थिएटर्स मूवी चाइना में रिलीज़ हुआ था, वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मिला था, इसलिए बॉलीवुड अभी चाइना को टारगेट कर रहा है, जिससे कि उनका मूवी और भी ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सके। अगर अभी आप देखेंगे तो सारे बॉलीवुड मूवीज़ का टारगेट होता है चाइना में रिलीज़ करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अगर फर्स्ट टाइम जब थिएटर्स मूवी रिलीज़ हुआ था उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अगर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता बॉलीवुड मूवीज़ का अभी जो इतने एग्रेसिवनेस है अपनी मूवी को चाइना में रिलीज़ करेंगे, तो मुझे नहीं लगता उनका एग्रेसिवनेस इतना ज़्यादा होता अभी भी। इसीलिए मैं सारे एनिमे लवर्स को कहना चाहती हूँ, जाओ जाकर इस मूवी को थिएटर्स में जाकर देख के आओ। भले ही तुमने इस मूवी को अपने मोबाइल में देख चुके हो या तुम ड्रैगन बॉल के इतने बड़े कोई फ़ैन नहीं हो, फिर भी जाकर इस मूवी को थिएटर्स में जाकर देख के आओ। क्योंकि अगर ये मूवी रिलीज़ हुआ तो बाकी जो एनिमे मूवीज़ है उसका भी पॉसिबिलिटीज़ है इंडिया में रिलीज़ होगा। और शायद तुम जो मूवीज़ थिएटर्स में देखना चाहते हो, शायद वो ऑफिशियली हिंदी डब में रिलीज़ किया जाए थिएटर्स में फ्यूचर में। इसीलिए इस मूवी को ज़रूर सपोर्ट कीजिए और जापान को भी बताएं जो हमारे यहाँ भी एनिमे का डिमांड है। अगर ये मूवी 100 करोड़ क्रॉस कर जाए इंडिया में, तो मुझे लगता है फ्यूचर में एनिमे मूवीज़ ज़रूर इंडिया में रिलीज़ होगा। लेकिन अगर ये मूवी 10 करोड़, 23 करोड़ या 30 करोड़ कमाएगी, तो मुझे नहीं लगता फ्यूचर में और कोई एनिमे मूवीज़ इंडिया में रिलीज़ होगी। अगर इसका कलेक्शन घटिया हुआ तो जो एक और एनिमे मूवी पीवीएस वाले रिलीज़ करने वाले हैं, पोकेमॉन आई चूज यू, वो भी मुझे नहीं लगता जो रिलीज़ करेंगे इसके परफॉर्मेंस के बाद। इसीलिए मैं सारे एनिमे लवर्स को कह रही हूँ, जाओ जाकर इस मूवी को थिएटर्स में जाकर देख के आओ। अगर तुम एनिमे को वापस लेके आना चाहते हो तो यही है तुम्हारा चांस। इस चांस को हाथ से मत जाने देना एनिमे लवर्स। अगर इस मूवी का कलेक्शन बहुत अच्छा हो तो नेक्स्ट टाइम जब कोई एनिमे मूवी रिलीज़ होगी तो सिर्फ पीवीएस सिनेमास में नहीं रिलीज़ होगा, सारे सिनेमास में रिलीज़ होगा। इसीलिए इस चांस को मत जाने देना एनिमे लवर्स। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, जाओ जाकर इस मूवी को थिएटर्स में जाकर देख के आओ। अगर तुम सब लोग कहते हो हाउ टू ब्रिंग बैक एनिमे, इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो यही है तुम्हारा चांस। अगर इस मूवी को सपोर्ट करोगे तो एनिमे ज़रूर इंडिया में आएगा। अगर इस मूवी को सपोर्ट नहीं करोगे तो भूल जाओ कभी भी एनिमे इंडिया में आने वाला है। एट द एंड मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, सारे एनिमे लवर्स इस मूवी को थिएटर्स में जाकर देख के आओ। इस मूवी का रिलीज डेट है 29 मार्च 2019, तो ज़रूर जाकर पीवीएस सिनेमास में जाकर इस मूवी को देख के आओ।